नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं NN24 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। मोहनपुर में इन दिनों अपराधियों के हौसले काफी बुलंद पर हैं। यह घटना से साफ हो जाता है कि हथियार के बल पर बेखौफ बदमाश अपराधियों ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के देवघर दुमका मार्ग सिरसा गांव में स्थित SBI बैंक को निशाना बनाकर अपराधियों ने मंगलवार दोपहर को हथियार के बल पर करीब 16 लाख नकद रुपए की लूट की घटना को अंजाम देकर आराम से अपराधी फरार हो गए। यह पूरा मामला मंगलवार दोपहर 2 बजे के करीब आधा दर्जन की संख्या में आए अपराधी ने बैंक लूट की वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के अनुसार बाइक सवार अपराधी बिना नंबर के पल्सर बाइक पर सवार होकर आए थे और शाखा में ग्राहक बनकर घुसे। इस दौरान बैंक में उपस्थित उपभोक्ता और बैंक कर्मचारी को पिस्तौल के बल पर बंधक बनाकर लगभग 15 मिनट तक लूटपाट की। इस दौरान घटना की जानकारी स्थानीय लोगों को लगी, उनकी ओर से लूट का विरोध करते हुए हल्ला हंगामा किया जाने लगा। हालांकि एक एक कर बैंक से बाहर निकले अपराधी ने खुलेआम हथियार का प्रदर्शन करते हुए लोगों को पहले डराया, फिर आराम से भाग निकले। अपराधी की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच बताई जा रही है। सभी अपराधियों ने मास्क से अपना चेहरा ढक रखा था। अनुमान लगाया जा रहा है कि बैंक से बाहर भी लुटेरे के अन्य साथी भी रहे होंगे। दिन दहाड़े हुई इस लूट की घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बैंक में कैश वाहन गाड़ी आया था। वाहन के जाने के ठीक तुरंत बाद अपराधी ने बैंक को निशाना बनाया। सूचना मिलने पर देवघर SP सुभाष चंद्र जाट, SDPO पवन कुमार, मोहनपुर थाना प्रभारी प्रेम प्रदीप दल बल के साथ पहुंचकर घटने की छानबीन की जा रही है। घटने के बाद सीमाओं को सील कर दिया गया है। वाहन जांच अभियान घटना के बाद सीमाओं को सील कर विभिन्न चौक चौराहों पर वाहन चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। CCTV फुटेज खंगाल कर बदमाशों की तलाश जारी है। उधर बैंक कर्मी और उपभोक्ता से पूछताछ करते हुए CCTV फुटेज खंगाला जा रहा है। घटना के हर एक पहलू पर पुलिस टीम जांच कर रही है। बताते चले कि मोहनपुर इलाके से अपराधी बेखौफ होकर दिन हो या रात घटना को अंजाम देते रहे हैं। मोहनपुर थाना क्षेत्र में सिरसा में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है, उसमें 16,12,000 के लगभग एक लूट की घटना हुई। बैंक के अंदर घुस के 2 बाइक पे सवार लुटेरे ने इस घटना को अंजाम दिया है और ये घटना कैश वैन के द्वारा कैश डिलीवरी के जस्ट बाद में पुलिस इसमें छानबीन कर रही है। लोग जल्दी ही लुटेरों को पकड़ लेंगे। कितने की संख्या में थे, क्या पहने हुए थे वो लोग, हथियार भी था क्या उन लोगों का? हथियार था, 5 की संख्या में थे।